हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन अल्लाह एक शख्स को कहेगा कि अपना नामा आमाल पढ़, तो वो नामा आमाल पढ़ने लग जाएगा। तो नामा आमाल के अंदर छोटे गुनाह भी होंगे, बड़े गुनाह भी होंगे, तो अल्लाह से हया करते हुए, शर्म करते हुए वो बड़े बड़े गुनाहों को छोड़ता जाएगा और छोटे छोटे गुनाहों को पढ़ता रहेगा। जब वो सारे गुनाह पढ़ चुकेगा और किताब खत्म होगी तो अल्लाह ताला उसे फरमाएगा, मेरे बंदे तूने ये जितने गुनाह पढ़े हैं मैंने सबको बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया। तो बंदा कहेगा, अल्लाह अभी तो मेरे बड़े बड़े गुनाह रहते हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं। फदाहिकन नबी हत्ता बदत अनियाबहू, हुजूर जब ये बयान फरमा रहे थे तो हुजूर इतना मुस्कराए कि सहाबा ने हुजूर की दाढ़ें देख ली। तो जब कोई बंदा उसके हुजूर तौबा करता है, अल्लाह ये नहीं देखता इसने गुनाह कितने किए हैं, ये देखता है बंदा आया मेरी चौखट पे है, तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर।